देश के हिंदू शेर श्री कमलेश तिवारी जी को सशस्त्र नमन करती हूँ और हाथ जोड़ के मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह इकबाल अंसारी के घर पे, एक कटुए के घर पे, मैंने उसके घर के अंदर घुस के उसको थप्पड़ खींच के मारा और आप सभी के सामने उसका परिणाम है। और मैं हर कटुए से बोलना चाहती हूँ, अगर हाँ दोस्तों, जैसे कि भी आपने इन लोगों की बकवास सुनी है, ये बोल रही है मैंने इकबाल अंसारी को घर में घुस के थप्पड़ मारा, मगर इसने ये अभी तक के नहीं बताया कि थप्पड़ क्यों मारा। ये क्या पागल है जो मतलब किसी के भी जाके थप्पड़ मार देगी और ये ऐसे चली आएगी, या ये रखायलपना कर रही होगी। इस वजह से उस बंदे ने कुछ किया होगा तो इसने थप्पड़ मारा, लेकिन इसने ना ही तो उसके प्रूफ दिखाया, ना ही फ़ोटो दिखाई, ना ही एड्रेस दिखाया कि वो कौन था क्या था, कुछ नहीं बताया। सिर्फ नाम लेने से, किसी को थप्पड़ मार देने से मर्दानगी साबित नहीं हो जाती। चलो आगे इनकी बकवास सुनते हैं। असली उसके अंदर दम है और असली मर्द है तो मेरे सामने आए। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं एक महिला हूँ। हाँ तो हेलो मैडम, अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं सामने आने के लिए तैयार हूँ। एड्रेस तो दीजिए आप वीडियो पे, एड्रेस दोगे तो कैसे आएंगे। एड्रेस दीजिए, अपना नंबर दीजिए, हम लोग आ रहे हैं। मैं देश की हिंदू धर्म की एक बेटी हूँ, मैं चाहती हूँ हर कटुआए। अब हिंदुस्तान की हिंदू धर्म की बेटी है तो हम लोग भी अपने नबी की उम्मत के गुलाम हैं। और आगे बोलो। और कटुए सुन, तेरी कटुआ कहने से पहले अपने शंकर जी को देख लो, जिसके लंड की तुम लोग पूजा करते हो। आगे बोलो। औकात नहीं है, अगर तेरी औकात है ना तो पीठ पीछे से वार करने से अच्छा तो सामने से छाती पे गोली मार के दिखाए मेरे को। मैं तेरे को बोलना चाहती हूँ और साथ में और हमारे हिंदू धर्म का भगवा वस्त्र पहन के तो सामने से छाती पे गोली मार के दिखाए मेरे को। मैं तेरे को बोलना चाहती हूँ और साथ में और हमारे हिंदू धर्म का भगवा वस्त्र पहन के तुम जैसे कटुए आते हो और तुम पीछे से वार करते हो। अगर तुम्हारे अंदर असली हिंदू धर्म नहीं, अगर तुम्हारे अंदर असली अबे सुन, हम लोग बचपन में जब पैदा होते हैं ना और हम लोग के कानों में जब अजान की आवाज़ें गूंज आती है ना, तो उसी समय हम लोग अपने सरों पे बेटा कफन पहन लेते हैं बच्ची, सर पे कफन बांध लेते हैं कि ऐ तेरे जनाजे की नमाज है, मुसलमान कभी भी है किसी भी वक्त है। तो हम मुसलमान 24 घंटे अपने ईमान के लिए लड़ने और मिटने के लिए तैयार रहते हैं। रही बात भगवा पहनने की, तो तुम भगवा नाले में पहना दो या सुअर को पहना दो या कुत्ते को पहना दो, उससे मतलब नहीं ना। अगर हम मुसलमान अपने इमाम हुसैन को, अरे यार हमारे अंदर तो सब्र का इम्तिहान है ना, कि हमारे नबी ने फरमाया है कि तुम लोग सब्र करो, अल्लाह की मदद आएगी, मायूस मत हो, क्योंकि मायूसी जो है वो कुफ्र है। तो हम लोग सब्र कर रहे हैं, नहीं तो जिस दिन, रही बात सामने आने की, जिस दिन हम लोग अपने इमाम हुसैन के तरीके सामने आ गए ना, तो पैर में मूतने लगोगे बेटा तुम लोग। देशभक्ति है ना, तो अपना वस्त्र पहन के आओ, तुम अपनी औरतों को बोलो बुर्का पहन के आए और किसी को तमाचा खींच के मार के आई तो है तुम्हारी अम्मा ईरकान, आई तो है मार के। तो देखो तुम अपनी अम्मा से लड़ने की औकात नहीं ना, तुम्हारी अम्मा ही तो है जो बुर्का पहन के वीडियो बना रही है, वो कौन है दिखाए। और मुझे शर्म आती है कि इस देश में ऐसे गद्दार, इकबाल अंसारी जैसे गद्दार, जिसको मैंने पूरा प्रूफ दिया कि वो देश के लिए ऑफ मीडिया कैमरे पे वो किस तरीके का। हाँ तभी देख रहे हैं भगवा, मतलब इतना घबरा गए हैं कि आए दिन मुसलमानों की बॉम्ब लिंचिंग हो रही है, आए दिन मुसलमानों को, बेकसूरों को, मुसलमानों को मारा जा रहा है। जो सेकुलर हिंदू बनने का दावा करते हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो इसके सब्सक्राइबर्स हैं हिंदू गांडू शेर बॉय के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी महामूर्ख हैं, ये भी महामूर्ख है, बात करने की औकात ही नहीं ना। सामने आओ, सामने आने की बात है तो अपना एड्रेस दो ना। बयान देता है और कानून व्यवस्था को, उत्तर प्रदेश सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है और मीडिया के सामने उसी की तारीफ करता है उसी। अबे मीडिया तो मोदी की गुलाम है बे, मीडिया हम लोग की कब से हो गई ये तो पहले बता। गोदी मीडिया तो तेरी ही है, तेरा पेपर है, तेरा अखबार है, हम लोग के पास क्या, हम लोग तो यार निहत्ते आदमी है, फिर भी इतना खौफ है तुम लोगों को। पुलिस तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, मैटी तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, पेपर तुम्हारा, फिर भी इतना खौफ है भैया मुसलमानों से। क्या मतलब राम के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि जंग लड़ सके, मैदान में आ सके, कि खाली बस यूट्यूब पे आओगी कुत्तों के तरीके भौंकोगी। हिम्मत है तो अपना एड्रेस दो ना, अपने अंकुर आर्य जो कुत्ता है उसका एड्रेस दो।
तरीके से मुझे बहुत अफसोस है, अफसोस नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे गर्व है अपने देश के। तुमको गर्व है अपने देश पे, तो हमको भी गर्व है अपने देश पे, और अपने मुसलमान होने पे नाज है हमको, और इस पे भी नाज है जो हम अपने नबी के गुलाम है। हमें फख्र महसूस होता है कि हम सब अपने नबी के गुलाम है। आगे बोलो। हिंदू शेर कमलेश तिवारी जी के ऊपर, अरे वो तो सुअर की औलाद था कमलेश तिवारी, तभी तो कुत्ते की मौत मारा गया, सुअर की मौत मारा गया, और उससे भी बुरी मौत मारना चाहिए था। मैं तो ये कहूँगा जो इस्लाम के ऊपर भौकेगा उसके अल्लाह इसी तरीके से मौत देगा। तो एक हमारे हिंदुस्तान के वो एक वफादार नागरिक बने, और मारने से ना कोई हिंदू कोई कभी भी खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना। और सुन बे, हमारे अल्लाह के नबी की हदीस है कि मुसलमानों को तुम जितना भी मिटाने की कोशिश करोगे वो उतने ही बढ़ेंगे, ना कि वो कम होंगे, समझ गए ना। तो हमारे अल्लाह के नबी की ये चीज़ की जो वो है वो हदीस में मौजूद है। जितने तुम कट्टरवादी और जितने तुम हो ना ये इस तरीके से मुसलमान और कटुए, तुम्हें भी पता नहीं है औकात हिंदुओं की। क्यों यार, क्यों अपने शंकर जी की तौहीन कर रही हो बार बार उनको कटुआ बोल के? यार शर्म नहीं आ रही है तुमको? मतलब तुम्हारे वो शंकर भगवान है, हर किसी को तुम लोग भगवान बना लेती हो, फिर उसी को कटुआ बोल लिया। यार क्या करके आ रही हो यार तुम? शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर, थू है तुम पे। औकात क्या है? तुम हमारे देश में रह के और हमारे देश का नमक खाते हो और गद्दारी हमारे देश के साथ करते हो। तुम जैसे तुम किसका नमक खा रही? तुम भी तो वही जो देश हित की बात करता है ना। सुन दे, जो देश का नमक खाता है ना वो देश को एक करने की बात करता है, तेरे तरीके भड़वाई नहीं करता कि हमने एक बार इंसारी को तमाचा मारा, इनको तमाचा मारा, उनको तमाचा मारा। अरे तू किसी एक मुसलमान को दिखा कि उसने भी एक असुर हिंदू को मारा हो, एक मुसलमान की फोटो दिखा कटुओं को ना। फिर तूने शंकर जी की तौहीन करी क्यों यार बार बार? तू यार साली रंडी की औलाद, हमारे धर्म की नहीं हो सकी, कम से कम उनके धर्म की तो इज्जत रख ले। क्यों बार बार तौहीन कर रही है शंकर जी की? एक कोना ऐसा काटा जाएगा ना देश के अंदर। काटा तो तुम्हारे शंकरी जी का है ना, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखो, तुम्हारी औकात भूल जाएगी कि तुम्हारी औकात असली में। अच्छा मतलब तुम अपनी औकात भूल गई हो क्या? है जय श्री राम, जय श्री राम, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह।